ये नया दौर है। अगर इस दौर में आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो किसी को दिखेगा नहीं। ऐसी लक्ष्मी यानी रुपए पैसे को डिजिटल करेंसी और ई रूपी कहा जाता है। हम और आप करेंसी के उस दौर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जब नोटों की कड़कड़ाहट और सिक्कों की खनखनाहट कम होती जा रही है। हम आपको बताएंगे कि क्या होता है ई रूपी और इसका इस्तेमाल कैसे होगा, लेकिन जानने से पहले आप बिजनेस टुडे बाजार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। तो कहानी शुरू करते हैं, तो सुनिए कि अब पूरा बैंक आपकी जेब में है और किसी भी सामान को खरीदने और बेचने के लिए एक मोबाइल ही काफी है जिसके जरिए आप आसानी से पेमेंट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में भारत सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करने वाला देश है? ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2025 तक पूरी दुनिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में करीब 70% हिस्सेदारी भारत की ही होगी। इस दिशा में RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक बहुत तेजी से कदम उठा रहा है। दरअसल RBI ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपी को दो तरह से लॉन्च करने की योजना बनाई थी, जिसके तहत 1 नवंबर को पहला पायलट प्रोजेक्ट होलसेल ट्रांजेक्शन शुरू किया गया और अब दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए रिटेल डिजिटल ई रूपी के डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल की प्रक्रिया की टेस्टिंग की जा रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये ई रूपी क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो ध्यान से समझ लीजिए ई रूपी क्या है। ई रूपी भारतीय करेंसी का डिजिटल रूप है। ये फिजिकल रुपए की तरह एक लीगल टेंडर होगा। इसकी कीमत रुपए के बराबर ही होगी, यानी 100 ई रूपी 100 रुपए के बराबर होंगे। ई रूपी 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के मूल्यों में मौजूद होगा। ई रूपी के बदले आप कैश ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। ई रूपी से क्या फायदा होने वाला है? जैसे डिजिटल पेमेंट से पैसों का लेन देन आसान हुआ, वैसे ही ई रूपी इसे और भी आसान करने वाला है, क्योंकि बिना इंटरनेट के भी पेमेंट की जा सकती है। आपको जेब और घर में ज्यादा कैश नहीं रखना पड़ेगा। नकली नोट की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सरकार को नोटों की छपाई, रखरखाव और सुरक्षा पर कम खर्च करना होगा। ई रूपी के ट्रांजिशन पर नजर रखी जा सकेगी, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड को पकड़ना आसान हो जाएगा। फिलहाल किन किन बैंकों और किन किन शहरों में ई रूपी उपलब्ध होगा? ई रूपी के पायलट लॉन्च में 8 बैंकों को जोड़ा गया है। पहले चरण में भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC बैंक शामिल किए गए हैं, जिसके बाद यूनियन बैंक, HDFC बैंक, बड़ौदा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है। ई रूपी फिलहाल मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और भुवनेश्वर में लॉन्च हुआ है। बाद में दूसरे 9 शहरों में भी इसका चलन बढ़ाया जाएगा। तो आप तैयार हो जाइए ई रूपी से खरीदारी करने के लिए। ई रूपी से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बिजनेस टुडे बाजार चैनल को यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।